नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां एक प्रेमी जोड़े ने रानी तालाब मंदिर में पहुंचकर अपने मर्जी से एक दूसरे को जीवन साथी चुन लिया है। आपको बता दें कि रीवा के रहने वाले सुनील दुबे और जबलपुर की रहने वाली साधना कुशवाहा आज रानी तालाब मंदिर में पहुंचकर शादी कर ली है। आपको बता दें कि यह शादी दोनों ने एक दूसरे की मर्जी से की है। हालांकि प्रेमी जोड़ों ने मीडिया से बताया कि घर वालों ने हम लोगों के ऊपर दबाव डाला है, जिसको देखते हुए हम लोगों ने रानी तालाब में पहुंचकर शादी की है। वहीं मीडिया के माध्यम से प्रेमी जोड़ों ने अपील की है कि हम लोगों को परेशान न किया जाए और हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं। वहीं लड़की ने मीडिया से बताया कि लड़की के पिता ने जबलपुर के घमापुर थाने में हमारे खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, पर लड़की अपने मर्जी से शादी कर रही है और मैं लड़की से अपनी मर्जी से शादी कर रहा हूँ। शादी अपनी मर्जी से की और घर वाले कर नहीं रहे, तो हमने घर वालों ने कुछ आप लोगों पर कुछ हाँ दबाव डाले। आपको लड़के वालों की ओर से कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की जा रही है? नहीं, नहीं। आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं? हाँ। आप अपना नाम बताइएगा। साधना कुशवाहा। साधना कुशवाहा। घर वालों को क्या बताना चाहती हैं? घर वालों की बोलना चाहती हूँ, हमें बार बार परेशान न करें, अपनी लाइफ जीने रहने वाले हैं। सुनील दुबे नाम है मेरा और हम लोग इंटर कास्ट में शादी कर रहे थे, तो इसके लिए हमारे घर वाले राजी नहीं हैं और लड़की पक्ष वालों ने FIR दर्ज कर दिया है धमापुर थाने में, जिससे कि बार बार हम लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है और जबकि हम लोग अपनी मर्जी से दोनों लोग एक दूसरे के साथ शादी कर रहे हैं। कहाँ शादी की है? ये रानी तालाब आदि शक्ति माता मंदिर में। कहाँ मिले आप लड़की से, कैसे मिले? हम लोग जबलपुर में मिले हैं आज से 2 साल पहले और 2 साल से हम लोगों का अफेयर चल रहा है और अब हम लोग आज यहाँ घर वालों के दबाव के कारण लड़की की शादी फिक्स कर दिए थे दूसरी जगह, इसके लिए हम लोग दबाव के कारण आज यहाँ पे आ करके हम लोग एक दूसरे से वो कर रहे हैं। मेरा नाम सुनील दुबे है और लड़की का साधना कुशवाहा। साधना कुशवाहा। माता पिता को क्या संदेश देना चाहते हैं? माता पिता को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोगों को अब अपनी खुशमय ज़िंदगी जीने दें और बिना मतलब का टॉर्चर ना किया जाए हम लोगों को और हम लोग एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं और उन लोगों से अपील है। हाँ, लड़की बालिग है। आप भी बालिग? हाँ।